हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको व्रत में खाया जाने वाला भगर और अमटी, ये दोनों चीज़ें सिखाने जा रही हूँ। भगर को कहीं कहीं गोवर्धन भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए जो जो आपको पदार्थ चाहिए वो मैंने लिए हुए हैं। ये देखिए, एक कटोरी भगर या मोरधन, मूंगफली का आटा, एक कटोरी दही, आधा कटोरी घी, धनिया, हरी मिर्च, जीरा, नमक, और ये कोकड़ी अमसूल है। अगर आपके पास दही ना हो तो आप कोकड़ी अमसूल डालकर भी इसको खट्टा बना सकते हैं, क्योंकि अमटी जो बनती है वो थोड़ी खट्टी होती है टेस्ट में। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके लिए सबसे पहले हम मोरधन लेंगे, इसको धो लेंगे, और धोने के बाद इसको फिर कुकर में हम लोग इसको इस तरह से पका लेंगे। इस एक कटोरी मोरधन में लगभग 1.5 कटोरी पानी लगेगा। और उसके बाद ये जो मूंगफली का आटा है, मूंगफली का आटा थोड़ा सा मोरधन में डाला जाएगा और थोड़ा सा इसकी अमटी के लिए उपयोग करेंगे। तो अमटी के लिए सबसे पहले मूंगफली का आटा, हरी मिर्च, आपका नमक, चीनी, ये सब हम लोग, और अदरक, ये सब हम लोग डालकर इसको उसमें से निकाल लेंगे, मिक्सर में से निकाल लेंगे। ये मैंने पहले से निकाला हुआ रखा है, ये देखिए, ये ऐसा निकाल लेंगे इसको। और इसी तरह से भगर को भी कुकर में चावल जैसा पकाते हैं वैसे पका के रख लेंगे। इसमें मैंने लगभग 1.5 कटोरी पानी डाला था, 1 कटोरी भगर में। अब मैं आपको इसको छोंकना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम अमटी बनाएंगे, अमटी बनाएंगे। घी गर्म कर लेंगे। ये देखिए, अमटी बनाने के लिए एक आध इतना चम्मच घी काफी होगा। घी गर्म होने के बाद ये जो है, आप घी जो है अंदाज से आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। और इसको अगर आपको दही नहीं यूज करना है तो आप कोकड़ी अमचूर का यूज कर सकते हैं। पानी में भी आप इसका कूट का ये बना सकते हैं, गाने के कूट का इस तरह का आप पेस्ट बना सकते हैं और इसको आप छोड़ सकते हैं। अब हमने लगभग आधा चम्मच मैंने जीरा डाला है। मैंने ये जितना हमारा 1 कटोरी का पेस्ट था उसमें लगभग उतना ही नमक पानी डाला। और इसमें जबकि इसमें मैंने नमक और चीनी पहले से मिक्स की हुई है और हरी मिर्च भी मिक्स की हुई है, इसलिए जो है इसमें हम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको आप सिम पे देर तक पकाते रहिए, जब अच्छा चूर जाएगा तो ये आपकी अमटी तैयार है। ये आपकी अमटी तैयार। अब मैं इधर आपको बगर के लिए भी हमने घी लिया। ये देखिए, इतना घी काफी होगा। 1 कटोरी बगर के लिए 1 चम्मच घी काफी होगा। जीरा डालेंगे गर्म होने के बाद, और ये जो हमारी पहले से पकी हुई बगर है ये इसमें डालेंगे। टेस्ट के अनुसार अपने धनिया कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हो। घी
घी गर्म होने तक इंतजार करिए। घी गर्म होने के बाद में, अभी नहीं हुआ है घी गर्म, घी गर्म होने तक इंतजार करिए। जब तक जीरा नहीं तक तड़केगा तब तक हम इसमें बगैर नहीं डाल सकते। दही खट्टा नहीं है तो आप कोकी अमचूर भी इसमें डाल सकते हैं। ये अभी मैं डाल रही हूँ क्योंकि दही शायद खट्टा नहीं है, मैं दो या तीन कोकी अमचूर इसमें डाल रही हूँ। यहाँ मैंने चेहरा पीला कर लग गया। मूंगफली के दाने का आटा इसमें मैंने कुछ भी मिर्च बिल्कुल नहीं डाली है। आप इसमें चाहे कटी मिर्च भी, कटी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम जब अमटी खाते हैं तो अमटी में अच्छा खासा तीखा होता है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती। धनिया भी मिला देंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली व्रत की चीज है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और हर कोई खा सकता है इसे। और हर तरह के व्रत में अगर आप नमक खाते हैं तो आप नवरात्रों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सभी जगह आसानी से मिल जाती है। गोले पड़े हुए हैं दबा दबा के आपको करके थोड़ी देर भाप देंगे, इसको ढक के इसको 5 मिनट भाप पे पकाएंगे। नमक आप अंदाज से डालेंगे। कड़ी बन चुकी है, अमटी बन चुकी है, आप देखें उसका बंद कर सकते हैं। चाहे तो ऊपर से हरा धनिया और डाल सकते हैं जिससे आपकी टेस्ट हुई है। मैंने गैस बंद कर दिया, ये देखिए तो टेस्ट बहुत टेस्टी बहुत होती है। बाद में ये जो कोकड़ी अमसूल है इसको आप निकाल के डाल सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं इसको। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट मराठी में मराठियों में खाया जाने वाला, मराठी लोगों में खाया जाने वाला व्रत का पदार्थ है। इसको आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स अगर आपको और कोई रेसिपी सीखनी हो, ये देखिए ये तैयार, आप इसको गरम गरम सर्व कर सकते हैं। ये देखिए दोनों चीजें मेरी पूरी बनके तैयार है।
दोनों चीज़ें मेरी तैयार है बनके। अगर आप इसको पसंद करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।